नमस्कार व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि आज हम हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि पिछली बार जब हमने गुजराती में वीडियो बनाया था तो उसके बाद हमें बहुत सारे व्हाट्सएप कमेंट्स, फेसबुक कमेंट्स और बहुत सारे SMS आए कि यदि आप ये सारी माहिती हिंदी में देते तो वो हमें काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल होता। इसलिए आज हम अपना पूरा वीडियो हिंदी में रिकॉर्ड करेंगे। आज भी हमारे साथ है प्रीतेश भाई टेलर, जिन्होंने पिछली बार हमें बच्चे के बिहेवियर के बारे में बहुत सारी माहिती दी थी। प्रीतेश भाई, तो आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। नमस्ते। आप, हमारा पहला सवाल ये है कि बच्चा खुश रहे, प्रसन्न रहे, उसके लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? आप क्या गाइडेंस देंगे माता पिता को? पहले माता पिता को ये समझ लेना चाहिए कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं बच्चे को खुश रखने के सिवाय। आप सोचते हैं कि आपका बच्चा TV देख रहा है, बहुत खुश है। आप सोच रहे हैं आपका बच्चा मोबाइल खेल रहा है, बहुत खुश है। आप उसको अच्छी अच्छी चीज़ें लाकर दे रहे हैं, वो बच्चा बहुत खुश है। लेकिन आप उसे जो चाहिए वो क्या है? वो आपका टाइम है। माँ बाप को क्या करना है, हर पेरेंट्स को क्या करना है, अच्छी तरह से अपना टाइम स्पेंड करना है अपने बच्चों के साथ। बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम दीजिए। उसकी जो ज़रूरतें हैं वो आप पूरी कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन उसको आपने देखा भी होगा कि अच्छे से आप कुछ ला के देते हैं तब बच्चा खुश होता है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा कब खुश होता है? कि जब आप उनके साथ रहते हो तब। कहीं भी भेज दीजिए आप उन्हें, आप उनसे अच्छे से अच्छे जगह भेज दीजिए, घूमने भेजिए, अच्छे से अच्छी चीज़ ला के दीजिए। लेकिन आपने भी देखा है कि जब आपका बच्चा आपके साथ है तो वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी है। तो मैं हर माँ बाप को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम शेड्यूल तैयार कीजिए कि आप महीने में, हफ्ते में, दिन में कितना टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे। यही एक आपके लिए अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तरह खुश रखने का एक तरीका है। बहुत अच्छा जवाब प्रीतेश भाई। और ये सब माता पिता को फॉलो करना चाहिए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चे के साथ गुजारना चाहिए। प्रीतेश भाई, हमारा अगला सवाल ये है कि कई बार हम देखते हैं कि माता पिता बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा लाड़ लड़ाते हैं, इसकी बालक पर क्या असर होंगी? इसके लिए आप माता पिता को क्या सलाह देना चाहते हैं? बालक प्रेम चाहता है, बालक आपका ध्यान चाहता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी छोटी छोटी बात में बालक को लाड़ लड़ाना, बालक को अपना काम खुद नहीं करने देना, बालक क्या करेगा? वो कभी भी स्वावलंबी नहीं बन सकेगा। उसमें कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होगा, उसमें डिसीजन मेकिंग नहीं डेवलप होगा। तो आपको क्या करना है कि जब जब आप उसके साथ हैं तब तब बालक आपको कुछ कहता है कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये चाहिए, आपको क्या करना है? थोड़ा वेट कराइए बालक के अंदर, थोड़ा उसको वेट करने को सिखाइए। नहीं कि आपको तुरंत ही ला के दे देना है, उसके अंदर वो चीज़ मौजूद कर देनी है, ऐसा नहीं करना है। बालक को साथ साथ में ये भी सिखाना है कि वेट कीजिए, कुछ भी मिलेगा बहुत, आपकी जो इच्छा है पेरेंट्स पूरी करेंगे। लेकिन उसको वेट करना सिखाना वो भी एक माँ बाप का ही काम है। बहुत अच्छा, पेशेंस और वेट, ये बहुत अच्छी बाबत है। अगला सवाल हमारा ये है कि बच्चे में हेल्पिंग एटीट्यूड डेवलप हो, उसके लिए आप क्या करेंगे? माता पिता को क्या गाइडेंस देंगे? हेल्पिंग एटीट्यूड बालक में डेवलप हो, ये पेरेंटिंग का एक बहुत ही बड़ा भाग है। हमने आगे भी आपको अगले वीडियो में बताया था कि बालक कैसे सीखता है। तो बालक ऑब्जर्वेशन करके सीखता है, अपने माता पिता, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं उसको देख के ही बालक सीखता है। तो माता पिता का जहाँ तक प्रश्न आता है तो माता पिता को खुद दूसरे को हेल्प करके दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करके दिखाना है बालक को कि कैसे एक आदमी, एक कैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को हेल्प कर सकता है। इसलिए मैं तो अपने माता पिता को, अपने बच्चों को और सबको यही बताता हूँ कि आपको ऑब्जर्वेशन करके ही सीखना चाहिए। माता पिता को भी देखना है कि बालक कहाँ कहाँ ऑब्जर्वेशन करता है,
तो आपको ऑब्जर्वेशन, आपका बिहेवियर ही ऐसा रखना है कि बालक एक ऑब्जर्वेशन करके अच्छे से दूसरे को हेल्पिंग करने का सीख जाए। सही बोला, बालक हमेशा दूसरों को ऑब्जर्व करता है और उसको फिर इमीडिएट कॉपी करने की ट्राई करता है। खूब अच्छा आंसर। प्रीतेश भाई, हमारा अगला सवाल ये है कि हमने देखा है कि कई बार बच्चे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, वो अकेले अकेले रहते हैं, लोगों के साथ इतना घुल मिल नहीं सकते, तो उसके लिए माता पिता को क्या करना चाहिए कि वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स में से, बच्चे में से दूर हो जाए, वो सबसे हंस मिल के घुल चुल के रहें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हमें समाज में, सोसाइटी में, स्कूलों में, क्लास में मिल जाते हैं। ऐसे बच्चे में एक गुण देखा जाता है कि वो डरे डरे से रहते हैं, छोटी छोटी बात में वो डर जाते हैं, कुछ अपनी मन की बात किसी को कह नहीं सकते, किसी के सामने अपने आप को पेश नहीं कर सकते। तो इसके जो मुख्य कारण मुझे पता लगता है कि उसका होम एनवायरनमेंट है, वही बात बहुत ही बच्चे के लिए नेगेटिव इफेक्ट करती है। इसलिए पेरेंट्स को क्या करना है कि अपने बालक को लघुता ग्रंथि से वो पीड़ित ना हो, इसलिए अपने बालक में आप विश्वास का एक एनवायरनमेंट तैयार कीजिए। आपको क्या करना है, अपने बालक के अंदर एक विश्वास उत्पन्न करना है। आप उसके अंदर विश्वास रखिए तो क्या करेगा, बालक का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो जो लघुता ग्रंथि का जो प्रश्न है वो आपो आप ही वो हल हो सकता है। बहुत अच्छा। प्रीतेश भाई, कई बार ऐसा हमने देखा है कि माता पिता बच्चे को सिखाते हैं अच्छी बाबतें, जैसे झूठ नहीं बोलना, बुजुर्ग की रिस्पेक्ट करना, और दूसरी साइड वो लोग ही खुद ही बुजुर्ग की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके सामने झूठ बोलते, तो ये सबकी बच्चे पे क्या असर होगी, इसके लिए आप माता पिता को क्या बोलेंगे? ऐसा होता है तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ जाती है कि पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं, खुद करते हैं और अपने बच्चों को बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना है। हाँ, एक बार हमने ऐसा देखा कि एक फैमिली में हम बैठे थे तो फोन आया, मोबाइल आया, तो बच्चे को उठाने को बोला और बोल दिया कि पापा घर पे नहीं है, ऐसा बोल दो। हाँ, दूसरी बार पेरेंट्स क्या सिखाते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है, और हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ, उन्हें ही मोटिवेट कर रहे हैं जाने अनजाने में ऐसा करने के लिए। इसलिए मैंने आगे भी बताया है कि बच्चे कहाँ से सीखता है, तो पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके। ऐसा कुछ ना कीजिए कि आपसे ही वो मोटिवेट हो जाए कुछ बुरी बात करने के लिए। झूठ बोलना हम भी जानते हैं, सब कोई जानता है, हर बच्चा भी जानता है कि वो गलत बात है, लेकिन उसके लिए वो गलत बात कब अच्छी बात हो जाती है, जब अपने पेरेंट्स को करते हुए देखता है, पेरेंट्स को करते हुए देखता है। कभी कभी टीचर्स से भी ऐसी गलतियाँ हो जाती है, तब क्या बच्चा सोचता है कि जो बड़े करते हैं वो हमें करना है, जो बड़े करते हैं वो हम करेंगे, उसमें कोई गलती नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है कि उसके सामने ऐसी गलती दोहराई ना जावे, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत अच्छा प्रीतेश भाई। प्रीतेश भाई, बहुत सारे पेरेंट्स की ये कंप्लेंट रही है कि उनके बच्चे चोरी करने जैसी बुरी हैबिट में फंस गए हैं, वो छोटी छोटी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो चोरी करते हैं, तो उसके लिए आप माता पिता को क्या गाइडेंस लेंगे, उनको क्या करना चाहिए कि उनके बच्चे की ये बुरी हैबिट दूर हो जाए? रिया बेन, ऐसी बात है कि जब कोई आदमी चोरी क्यों करता है, ये हमें बेसिकली सोचना चाहिए कि उसकी नीड्स जो है वो उसकी पूरी ना हो। तब माता पिता चाहते हैं स्कूल में अच्छे से पढ़े, माता पिता चाहते हैं कि फैमिली में से वो अच्छे से बिहेवियर करे, लेकिन बच्चा क्या करता है कि ऐसी कुछ कुटेव में फंस जाता है। लेकिन कब होता है, जब उसकी कोई नीड्स कमी जो पूरी होने वाली हो लेकिन नहीं हो सकती। कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने से बड़े इकोनॉमिकल स्टेटस वाले बच्चों के साथ वो फंस जाते हैं, उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है, उसके पेरेंट्स होते हैं जो उसकी नीड अच्छे से पूरे करते हैं, लेकिन ये माँ बाप है जो अपने बच्चों को नीड नहीं पूरी कर सकते। तो उस समय माँ बाप को थोड़ा समझा बुझा कर भी बच्चे को समझाना चाहिए कि आपका फ्रेंड्स है वो अलग इकोनॉमिकल स्टेटस से आता है, हमारी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो अलग चीज़ है। लेकिन माँ बाप को भी क्या करना है कि उसकी बेसिक नीड है, कभी कभी देखा जाता है कि बालक की बेसिक नीड के लिए ही बालक यहाँ वहाँ देखता रहता है, वहाँ वहाँ वो ढूंढता रहता है,
उस समय जब उसकी बेसिक नीड खत्म हो जा पूरी नहीं होती, तब बच्चे को क्या लगता है कि मुझे तो ये करना ही है, तो वो जहाँ से भी उसे मिलेगा वो उठा लेगा। बालक की इच्छा हो कि वो चॉकलेट खाए, लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, कल दूंगा, कल तो मैं लेकर ही आऊँगा, अच्छा अच्छा प्रॉमिस करते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ कब पूरी होगी वो बच्चा भी ढूंढता रहता है, वो टाइम ढूंढता रहता है। तब जब वहाँ उसको जहाँ भी एक मौका मिल जावे, वो बच्चा क्या करेगा कि उठा लेगा, और एक बार उठाएगा, दो बार उठाएगा, यही हैबिट बार बार होगी तो उसको क्या कहेंगे हम कि उसको हैबिट हो जाएगी, और उसको ऐसा लगेगा कि चोरी करना कोई बुरी बात नहीं है, मेरे पेरेंट्स है, ये सोसाइटी है, मेरी नीड्स कम पूरी नहीं हो रही है तो मैं चोरी करता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए माँ बाप को क्या है, बेसिकली जो नीड्स है वो पेरेंट्स अपने बच्चों की पूरी करें। बहुत अच्छा, बेसिक नीड्स तो पूरी ही करनी चाहिए, ये तो बहुत सही बात है। लेकिन प्रीतेश भाई, कई बार ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स बच्चों की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए पैसे देते हैं उनको स्कूल में या कहीं बाहर जाने के लिए, तब वो जब पैसे देते हैं तब उनको क्या केयर करनी चाहिए कि उनके बच्चे पैसे का सही इस्तेमाल करें या नहीं, वो सब देखने के लिए आप क्या उनको सलाह देंगे? हाँ, पेरेंट्स क्या करते हैं, सुबह स्कूल में जाने के टाइम कुछ पैसे दे देते हैं बच्चों को। कभी कभी क्या होता है कि स्कूल में से टूर जाता है, उसके लिए भी पैसा दे देते हैं बच्चों को। लेकिन बच्चों को पैसे देते समय पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि ये पैसे कैसे खर्च हो गए, उसको थोड़ा गाइडेंस देना चाहिए। अगर वो पैसे खर्च हुए तो कहाँ हुए, क्यों हुए, ये सब चीज़ पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ डिस्कस करनी चाहिए। आपका काम ये नहीं है पूरा कि आपने उसको पैसे दे दिया तो काम ख़त्म हो गया, आपका काम वहीं से शुरू होता है। पैसे दे देना कोई काम बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो पैसे अच्छी तरह से जहाँ यूज़फुल हो वहीं जगह पर वो उतने ही यूज़ हो, वो देखना हमारा काम है, पेरेंट्स का काम है। इसलिए हर पेरेंट्स को ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप बच्चे को पैसे दो, उसकी नीड है, वो आपकी आपकी बच्चा है, आपको देना चाहिए। लेकिन पैसे देने के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आपको ये सोचना है, आपको ये पूछना है, प्रेम से पूछिए, डांटिएगा नहीं, कभी भी सोचिए मत कि मैं मार दूंगा, ये तो हमने आगे ही बताया है कि मारना तो है ही नहीं बच्चे को कभी। लेकिन हमें बच्चे पे पूरा वॉच रखना है कि कहीं वो किसी बुरी आदत में फंस तो नहीं जावे। इसलिए हमें जब जब पैसे देते हैं बच्चे को तो पूरी तरह से उसके साथ डिस्कस कीजिए, पैसे खर्चने से पहले डिस्कस कीजिए, उसके बाद डिस्कस कीजिए। इसलिए पैसा कहाँ गया वो आपको पता तो होना ही चाहिए। सुपर आंसर प्रीतेश भाई। प्रीतेश भाई, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे छोटी छोटी बात में झगड़ा करते हैं, बुरे अपशब्द बोलते हैं और उनका बिहेवियर भी बहुत बुरा हो जाता है, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? हाँ, बच्चा हमने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं कि थोड़ी थोड़ी बाबत में, छोटी छोटी बाबत होती है उसमें वो दूसरे बच्चे से साथ फाइट कर बैठते हैं, कुछ ना कुछ जो हमें सुनने नहीं अच्छे लगते ऐसे वर्ड वो अपने रेगुलर लाइफ में बोलने लगते हैं। मुझे लगता है ये फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की ओर से, कहीं ना कहीं अपने टीचर्स की ओर से जो उसके पास डिमांड रखी जाती है, वो डिमांड पूरी करने में वो बच्चा अपने आप को असक्षम मालूम कर रहा है। इसलिए जो पेरेंट्स है, वो जो टीचर है, उसको समझना चाहिए कि बच्चे को फ्रस्ट्रेशन ना हो जावे। बच्चे के पास इतनी बड़ी बड़ी पर आप अच्छे उम्मीदें ना रखें कि बच्चा उसको पूरी करने में आप फ्रस्ट्रेट हो जावे, और जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिखाई देता है दूसरे के साथ गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, मारा मारी करना। वो तो हमें भी पता है कि हम जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तब सामने वाले व्यक्ति को हम कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेट कब होते हैं कि जब सामने वाला व्यक्ति हमारे पास जो उम्मीद रखता है वो उम्मीदें हम पूरी ना कर सके तब। इसलिए पेरेंट्स और टीचर को ये तो सोच ही रखना है कि बच्चे से क्या उम्मीदें रखी जा सकती है और क्या उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। ओके रियाबेन, बहुत अच्छा, बच्चों से उम्मीदें उनकी कैपेसिटी से हिसाब से ही रखनी चाहिए। प्रीतेश भाई, आज का हमारा आखिरी सवाल ये है कि बच्चे का नेचर, उनका स्वभाव शांत और विवेकी रहे, उसके लिए आप माता पिता को क्या कहना चाहेंगे, उसके लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? माता पिता को जो है, जो होम एनवायरनमेंट है
उसको ऐसे करके तैयार करना चाहिए कि आप कभी भी, हम पुराने समय में हम देखते थे कि दादा दादी थे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, सुबह सुबह बच्चों के साथ घूमने जाते थे। आज के पेरेंट्स क्या है कि उनको पास सुबह में टाइम नहीं है, वो उतनी दौड़ भाग में बच्चों के लिए ही सब कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को जो चाहिए वो नहीं दे के बच्चों से दूर जा रहे हैं। इसलिए क्या है कि जो पेरेंट्स, जो उसके जो घर में वाले रहने वाले व्यक्ति है, उसका टाइम उसे नहीं मिल रहा है। हमने शुरुआत में भी ऐसा बोला पेरेंट्स को कि आप टाइम स्पेंड कीजिए, अभी भी हम बोल रहे हैं कि आप टाइम स्पेंड कीजिए। मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि जो दादा दादी है, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, उनको भी करना है कि आप अपने बच्चों को अच्छी से कोई स्टोरी सुनाइए। स्टोरी है, अच्छे से कोई कैरेक्टर है, रामायण महाभारत जो हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथ है, श्रीमद भगवद गीता क्या कहती है, भागवत क्या कहता है, नचिकेता कौन था, ऐसे जो बालक हो गए कि जो हमारे हिस्ट्री में, हमारी संस्कृति में ऐसे जुड़े हैं कि हमारी संस्कृति से अलग नहीं हो सकते, तो हमें क्या करना है, हमारी ओरिजिनल जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति क्या कहती है, सहिष्णुता में मानती है, अहिंसा में नहीं मानती, तो हमें क्या करना है, हमारा होमली एनवायरनमेंट है उससे अनुसार ही रखना है, बच्चे को इसको इंट्रोड्यूस करना है बच्चों के साथ, तो हमें बहुत ही अच्छा एक पर्सनालिटी जो हम चाहते हैं ऐसा बच्चा तैयार होके मिलेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्रीतेश भाई। प्रीतेश भाई ने जो भी माहिती इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए, उनको अच्छा दिखाने के लिए। इसलिए आपके व्यूअर्स, आपकी ये एक ड्यूटी बनती है कि इस वीडियो के बाद आप ये पूरा वीडियो देखें और आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।